Hare Krishna, Radhe Shyam. आइए हम जानते हैं आज, कल किसी ने प्रश्न किया था कि कर्मी, ज्ञानी और भक्त के विचार कैसा है। विशेष रूप से देखा जाता है कि मनुष्य जाति साधारणतः अपनी इंद्रिय तर्पण के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे कि अपने सुख सुविधा, अपने इंद्रिय तर्पण के लिए क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, कभी कभी विचार भी नहीं करता मनुष्य। अर्थात केवल अपने इंद्रिय तर्पण के अतिरिक्त और कुछ भी समझना नहीं चाहता है। चाहे सैकड़ों हजारों लोगों का असुविधा हो, उनका असुख हो, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सुख होना चाहिए, मेरा सुविधा होना चाहिए, मेरा इंद्रिय तर्पण होना चाहिए। यही है कर्मी का विचार। और ज्ञानी का विचार क्या है? बल्कि जगत के समस्त सुख सुविधाओं को, सुख को भी असुख को भी, दोनों का ही परित्याग करके बल्कि निर्विशेष हो जाना। ये है ज्ञानी का विचार। तो कर्मी लोग अपनी शक्ति की प्रधानता स्थापन करने के लिए हमेशा व्यस्त रहते हैं, और ज्ञानी वो सर्वशक्तिमान भगवान को भी निशक्ति प्रतीत कर पाने में ही उसका निश्चिंतता है। तो चाहे कर्मी का पक्ष ले लो, चाहे ज्ञानी का पक्ष ले लो, ये दोनों क्षेत्र में ही भगवान की शक्ति का सम्मान या भगवान के कृपा का, भगवान के स्वरूप का स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए ये कर्मकांड को और ज्ञान कांड को क्या कहते हैं? विशेष भांड। ये कर्मकांड और ज्ञान कांड ये विष का प्याला है, ये विष का भांड है, विष का मटका है। चाहे उसमें से थोड़ा सा भी खाओ या उसमें से पूरा खा लो, जहर जो काम करता है वो काम तो करेगा ही। इसलिए मंगल चाहने वाले व्यक्ति ना कर्म और ना ही ज्ञान के पथ को अनुसरण करते हैं, वो तो केवल और केवल मात्र भक्ति के ही पथ को ग्रहण करते हैं। तो भगवान के ऊपर संपूर्ण निर्भर करना और भगवान का सुख सुविधा विधान करना, यही केवल मात्र भक्त का विचार है। चाहे अपने ऊपर सैकड़ों विपत्ति आ जाए, चाहे अपने ऊपर कितने भी कष्ट हो जाए, लेकिन ऐसी अवस्था में भी केवल और केवल मात्र भगवान के सुख विधान करना ही भक्त का परम और चरम लक्ष्य होता है। किस प्रकार से भगवान के इंद्रिय तर्पण के उद्देश्य से उनका समस्त कार्य होता है, उनका समस्त ज्ञान नियुक्त होता है, उनका प्रत्येक के सांस केवल भगवान के सुख विधान के लिए होता है, बल्कि अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करने का नाम ही भक्ति है। एताव जन्म साफल्यम देहि नाम यह देहिषु धर्मैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। उस श्रेय वस्तु, उस परम वस्तु, उस सुख विधान करने वाले वस्तु, भगवान के सुख के लिए प्राण से, अर्थ से, शरीर से और वाणी से, जेन केन उपायेन कृष्णे निवेशयित मनः, जेन केन उपायेन
कृष्ण सुखई कविधानम केवल लक्षणम एव भक्तानाम एव, केवल भक्त का यही लक्षण होता है। तो इसको एकायन पंथ कहते हैं, जहाँ केवल और केवल मात्र कृष्ण ही उसके जीवन का उद्देश्य होता है। तो इसके अतिरिक्त अगर हम बहु देवी देवी देवताओं का यजन करके उनसे वर प्राप्त करेंगे, उनके संसार के सुख सुविधाएं वस्तु का डिमांड करेंगे, ये अभक्ति का पथ है और इसको बयहन पंथ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो अभक्ति का पथ है, बयहन पथ है, ये बहु ईश्वरवादी हो जाता है। जिस प्रकार से एक कुलटा स्त्री होती है, वो अपने स्वामी के होते हुए भी और पुरुषों के साथ उसका संबंध रहता है, लेकिन भक्त का चाहे कितना भी सुख सुविधा कोई कहीं से देने को कोशिश करे, तो भक्त ऐसे कि मुक्ति भी सामने आकर के, भक्त के सामने आकर के हाथ जोड़ के निवेदन करे कि मुझे ग्रहण करो, तो भक्त उस मुक्ति को भी नकार देते हैं। केवल और केवल मात्र भगवान ही उसके जीवन का सब कुछ है। तो इस प्रकार के विचार के अनुसार जिसका चित्त वृत्ति जिस स्थान पर परिपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में उन्मुख होती है, वही साधुता है, वही भक्ति है। और इसके सिवा चाहे ज्ञान कर्म ले लो, योग तपस्या ले लो, वो सब सर्वत्र असाधुता है, कहीं भी साधु वृत्ति नहीं है, क्योंकि भक्त जन निष्काम होते हैं। वो कर्मी ज्ञानी योगी की भांति अपने स्वसुख वांछा का लेश मात्र भी इच्छा नहीं करते हैं। इसलिए भक्तगण प्रतिक्षण केवल और केवल मात्र कृष्ण सुख अनुसंधान में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि वित्तीनादपि सुनिज होते हैं, अपने को तिनके से भी दिनहीन समझते हैं। और भगवान की सेवा के अतिरिक्त उनका दूसरा कोई कार्य या दूसरा कोई चिंतन नहीं है। और यही भक्ति में क्या है, अशोक अभय अमृत आधार तुमार चरण द्वय ताहते एखन शरण लभिया छाड़िनु भवेर भय। बोलते उस भक्ति का जो आश्रय करता है भगवान के, उस भक्ति से परिपूरित श्री चरणों का जो आश्रय करता है, वो निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, सुखी होता है। परंतु कर्मी ज्ञानी सकाम होने के कारण अशांत रहते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं क्या, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। हरे कृष्णा, हरे दुख।